गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ अ लेसन वन, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज, वॉट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, वॉट वॉज इट रियली. पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसकी कैट जो है वो किसके साथ खेल रही है और क्या वो सच में था. आंसर, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटल डॉल. इट वॉज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज मैन एंड एल्फ. अब क्या है, पैट्रिक जो होता है वो सोच रहा होता है कि उसकी जो कैट है वो एक लिटल डॉल के साथ खेल रही है और उसको लेकिन वो क्या होता है, वो एक स्मॉल साइज मैन होता है, लाइक एल्फ. एल्फ होता है ड्वार्फ टाइप, मतलब बोनी, वो एक बोना व्यक्ति था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड द लिटल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश. जो लिटल मैन था ना, उसने पैट्रिक को क्यों विश ग्रांट करी थी. ग्रांट होता है अनुदान देना. ठीक है. आंसर, पैट्रिक हैड सेव द टाइनी मैन life from the cat by not handing him back to the cat, so he promised to fulfill one wish of Patrick. अब क्या होता है, जो पैट्रिक होता है ना, उसने उस लिटिल मैन की जो है वो जान बचाई होती है कैट से और वापस उसको वो देता भी नहीं है कैट के पास. इसलिए जो था वो पैट्रिक, उसने कहा था कि पैट्रिक की कोई एक विश फुलफिल करने के लिए उसने कहा था, मतलब प्रॉमिस किया था कि वो उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज पैट्रिक विश. पैट्रिक जो थी, पैट्रिक जो था उसकी क्या विश थी. आंसर, पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क. हिज ग्रेटेस्ट विश वॉज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन. तो जो पैट्रिक था उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो उससे नफरत करता था. तो अब वो चाहता था, उसकी विश थी कि जो लिटिल मैन है वो उसका सारा होमवर्क कर दे जब तक उसका लास्ट सेमेस्टर ख़त्म ना हो जाए. क्वेश्चन नंबर फोर, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड्स हैव टू डू पैट्रिक होमवर्क. अब जो था वो कौन से सब्जेक्ट में लिटिल मैन को पैट्रिक का होमवर्क करते वक्त पैट्रिक की आवश्यकता थी, है ना, हेल्प की आवश्यकता थी. तो आंसर है, द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री. जो लिटिल मैन था उसको पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी मैथ्स, इंग्लिश और हिस्ट्री का काम करने के लिए. क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम. जो पैट्रिक था उसने जो था वो कैसे उसकी मदद करी थी. पैट्रिक सेट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम. जो पैट्रिक था वो लिटिल मैन की साइड में बैठ जाता है और उसे गाइड करता है. ही बॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम. और जो पैट्रिक था वो लाइब्रेरी से बुक्स लाता और उसको जो था वो लिटिल मैन के लिए पढ़ता. लास्ट क्वेश्चन, हु डिड यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और अ पैट्रिक हिमसेल्फ. आप क्या सोचते हैं कि जो पैट्रिक का होमवर्क था वो किसने किया था, लिटिल मैन ने या फिर खुद पैट्रिक ने. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. आपको कोई एक रीज़न देना है अपने आंसर में. आंसर, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल हिज होमवर्क. एक्चुअली में क्या था, जो पैट्रिक था उसने अपना होमवर्क स्वयं ही किया था. ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक. क्योंकि उसे जो था ना, वो जो लिटिल मैन था या जो एल्फ था, उसकी उसको हेल्प करनी पड़ रही थी, उसको बुक्स देनी पड़ रही थी, है ना, उसको गाइड करना पड़ रहा था. तो इसलिए जो था वो पैट्रिक ने अपना होमवर्क स्वयं ही किया था. सो गाइस, ये थे लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर एंड आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुए होंगे. सो रीड द क्वेश्चन आंसर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.